तो स्वागत है आपका हमारी एक और न्यू वीडियो में। और आज हमारी सवारी आई है जी दिल्ली के अंदर। दिल्ली में कहाँ, नेहरू प्लेस में आपको लेके आए शर्मा जी के स्पेशल दही बल्ले खिलाने। तो चलिए शर्मा जी से ही बात करते हैं। नमस्कार जी, कैसे हैं? सर बस आनंद है माता रानी का। और यहाँ के स्पेशल दही बल्लों के बारे में हमने बड़ा सुना है, कितने टाइम से आप बना रहे हैं यहाँ पे? 89 से स्टार्ट किया था सर। 89 से, तो आप देख सकते हैं भाई 89 से बनाया है यहाँ पे। और ये देखिए जी भाई, क्रीमी क्रीमी दही है और कितने सारे यहाँ पे भल्ले पड़े हुए हैं। आप चेक करिए भाई दही, एक बार दही चेक कराइए। ये देखिए जी भाई, स्पेशल दही है इनकी, बहुत बढ़िया। तो दही में इसके अलावा आप और कुछ भी डालते हैं? बहुत ज़्यादा क्रीमी लग रही है। क्रीम डालते हैं सर। क्रीम डलती है? अच्छा, जब भी इतनी ज़्यादा क्रीमी है ये, बहुत बढ़िया। तो ये देख सकते हैं भाई, ये डूब रहे हैं भाई दही के अंदर से, एकदम बढ़िया तरीके से निकल रहे हैं। और ये भल्ले किस चीज़ के होते हैं? ये मूंग की दाल के सर। मूंग की दाल के, ओके। तो मूंग की दाल के भल्ले हैं और स्विमिंग पूल से निकल रहे हैं भाई दही वाले। एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट भले लग रहे हैं, प्यार से टूट रहे हैं, आप ये देखिए। और पैकिंग के लिए आप ये वाले डिब्बे रखते हैं यहाँ पे, तो इसके कुछ अलग चार्जेस हैं? 40 रुपए। अच्छा 40 रुपए, ओके बहुत बढ़िया। तो भाई इससे पता लगता है कि भाई पापड़ी कितनी ज्यादा यहाँ पे एकदम करारी करारी है इनकी, क्रिस्पी एकदम। और ये कौन सा मसाला है? ये 16 आइटम है सर, इसमें मसाले। अच्छा, इस मसाले के अंदर आप देख सकते हैं भाई साहब 16 आइटम है, बहुत बढ़िया। तो ये भी आप खुद बनाते हैं? खुद बनाता हूँ। बहुत बढ़िया। और ये क्या आ गया जी? ये पीली मिर्च आ गई। पीली मिर्च, पीली मिर्च तो मैंने देखा है चांदनी चौक में, बड़ी स्पेशल है, वहीं पर डलती है ज्यादातर। तो आप यहाँ पे भी डाल रहे हैं? ये नमक होता है, इसमें 3 नमक होते हैं। ओके, कौन कौन से? काला नमक, टाटा नमक, सेंधा नमक। अच्छा, 3 तरह के नमक होते हैं, बहुत बढ़िया। तो 3 तरह के नमक डल चुके हैं जी। और नेक्स्ट आएगी जी क्रीमी क्रीमी एकदम, बहुत बढ़िया लग रही है दही, देखिए एकदम ठंडी ठंडी दही मिलेगी आपको इस गर्मी के अंदर। और भाई अब होने वाला है जी कमाल। बहुत बढ़िया। किसी ने कहा आपको शर्मा जी, शर्मा जी फिर से आगे निकल गए, क्योंकि सारे शर्मा आगे ही निकल रहे हैं। आशीर्वाद है जी माता रानी का। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया लग रही है यार एकदम। तो भाई कभी भी अगर आप नेहरू प्लेस आते हैं ना, यहाँ पे इनके जरूर ट्राई करना भाई, इतने ज्यादा क्रीमी दही बल्ले भाई मैंने तो नहीं देखे, तो एक बार यहाँ पे जरूर ट्राई करें। और अभी नेक्स्ट क्या जाएगा जी? ये फिर से आपका वो मसाला, ये मसाला दोबारा डाल रहा है। लो भाई 16 आइटम वाला मसाला डल रहा है फिर से। और ये आ गई जी पीली मिर्च, और ये आ गया जी फिर से इनके 3 तरह का नमक। ये है जी स्पेशल चटनी भाई शर्मा जी की, ये देखिए भाई बहुत ही जबरदस्त लग रही है, क्या बात है यार। किस चीज की होती है ये? खजूर की सौंठ होती है। खजूर की सौंठ भाई, जब चटनियों की बात आती है ना, तो खजूर की चटनी सबसे बढ़िया सबसे जबरदस्त बताई जाती है। ये डल गई जी चटनी, और चटनी डलते ही इतनी जबरदस्त लगने लगी है ना भाई, प्रेजेंटेशन भी इनकी बहुत बढ़िया है यहाँ पे। ये नहीं कि शर्मा जी खिलाना, प्रेजेंटेशन भी बढ़िया सजा के देते हैं आप। ओके ओके। और ये होगी जी रेडी, कितने रुपए के होते हैं? 30 रुपए प्लेट है। 30 रुपए प्लेट है, और पैकिंग वाले 40 रुपए। ओके, पैकिंग भी यहाँ पे करके देते हैं। तो यहाँ पे हम भी ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ का टेस्ट कैसा है। और यहाँ पे ये सारे लोग भीड़ जमा के रुके हैं, तो आप खाते रहते हैं यहाँ पे? डेली खाते हैं। डेली खाते हैं, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा। और आपको कैसा लगता है सर? बढ़िया लगता है। कितने टाइम से खा रहे हैं? काफी टाइम हो गया। काफी टाइम हो गया। तो भाई यहाँ की भीड़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ का टेस्ट कैसा है, यहाँ का स्वाद कैसा है, यहाँ का जायका कैसा है। तो यहाँ पे ट्राई करना तो बनता ही बनता है भाई, यहाँ पे आए और ट्राई नहीं करा तो भाई माता रानी पाप चढ़ाएंगे आपको। अगर शर्मा जी आपके पास किसी को आना हो तो कैसे आए आपके पास? मेरा मेट्रो स्टेशन से उतरो। हाँ जी, सत्यम PVR के पीछे, इफ्को हाउस। इफ्को हाउस, और कौन सा नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा है? ये सामने वाला सत्यम PVR के आगे। ओके, बिल्डिंग नंबर 34। तो ये है जी यहाँ का लोकेशन, और मैं लोकेशन लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, गूगल लिंक, कि आराम से आप यहाँ पे आ सके। और मात्र 30 रुपए की प्लेट है, तो मतलब इतना बढ़िया स्ट्रीट फूड और वो भी इतने बढ़िया दामों पे, तो वो तो आपको स्पेशल नेहरू प्लेस पे मिलेगा शर्मा जी के यहाँ पे। तो एक बार यहाँ पे इनके दही बल्ले की तरफ बढ़ते हैं, ये देखिए एकदम क्रीमी क्रीमी दही बल्ले हैं और एकदम बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट भल्ले हैं। इसके अंदर इन्होंने पापड़ी भी डाली है,
और जो इन्होंने पीली मिर्च डाली है ना उससे तो स्वाद डबल हो जाएगा। इसमें डिब्बे लगा निकाल के मुंह में जाते ही घुल गए, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। तो यहाँ पे कभी भी आए ना जरूर ट्राई करें। और सारे लोगों ने बताया कि यहाँ पे लंबी लंबी भीड़ें लगती हैं, तो थोड़ा सा वेट भी करना पड़ेगा। क्रीमी बहुत ज्यादा है और पीली मिर्च जो उन्होंने बहुत सारे मसाले डाले हैं उसका मुंह में जाते इतना बढ़िया एक्सप्लोजन हो रहा है ना, मजा आ रहा है खाने में और मन कर रहा है भाई खाते जाओ और दूसरी प्लेट और ऑर्डर कर दो। शर्मा जी आपसे अलविदा लेते हैं, फिर से मिलेंगे बहुत जल्द। तो भाई इसी के साथ अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुक्रिया, शब खैर।